गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने ये देखा कि आखिर कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। तो हमने देखा था एक वियर्ड रिलेशनशिप में होता है इनके बीच में, और ये जो रिलेशनशिप कंप्लीट करता है वो कंप्लीट करता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो विदाउट नोइंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप ये नहीं बता सकते कि किसी भी रिएक्शन का रेट उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा। तो ये सब चीज़ हमने देखी थी। हमने ये देखा था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिटेल में डिस्कशन ऑर्डर, आखिर ऑर्डर होता क्या है, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक। सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन, डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म अपियरिंग इन टर्म appearing in sum of power of all concentration term appearing in rate law expression, rate law expression is known as order, is known as ऑर्डर। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी कंसंट्रेशन के पावर है सबको ऐड कर दीजिए, वो आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। जैसे सपोज करो मेरा रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी, मान लो ये कोई प्रोडक्ट बता रहा है, हो सकता है ये बैलेंस भी हो या अनबैलेंस रिएक्शन हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो बाय एक्सपेरिमेंट मुझे ये दिख रहा है कि भाई जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो ए के पावर पी पे डिपेंड करता है, ए के पावर पी पे डिपेंड, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए के पी के पावर पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं अगर बोलूंगा पी क्या है, तो पी ऑर्डर ही है, बट ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, या आप ऐसा बोल सकते हो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, आप ऐसे भी बोलोगे तो भी चलेगा। तो ये जो ऑर्डर आता है बेसिकली आप डायरेक्टली देख के नहीं बोल सकते, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा या क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। तो कल मैंने एक तरीका बताया था आपको पहचानने का, वो कौन सा होता है, रेट कॉन्स्टेंट। रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट से भी हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पहचान सकते हैं। दोबारा फिर से मैंने एक्सपेरिमेंट किया फिर, तो रेट मुझे पता चल रहा है कि बी के पावर पी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ऐसा देखा गया कि रेट जो है बी के कंसंट्रेशन पी के पावर से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, सॉरी दिस इज नॉट पी दिस इज क्यू, तो क्यू मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। और फिर अगेन रेट जो होगा सी के पावर आर पे डिपेंड कर रहा है, तो आर क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सी हो जाएगा। आई बात समझ में, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अब देखो दो बातें, ये हो सकता है पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, फ्रैक्शनल हो, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ये भी पी क्यू आर तीनों में से कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ ऑर्डर इंटीजर नंबर का ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, हो सकता है एक किसी का ऑर्डर जीरो हो, किसी का ऑर्डर 1.5 भी हो सकता है, किसी का ऑर्डर 2 भी हो सकता है, तो ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं है। तो बाय कंबाइनिंग रेट मुझे क्या मिल रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर पी, बी का पावर क्यू और सी का पावर आर। तो रेट बराबर जो होगा वो होगा के इंटू ए का पावर पी, बी का पावर क्यू और सी का पावर आर। तो दिस इज ओवरऑल रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज ओवरऑल रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या बोला था, अगर एक रिएक्शन में चार रिएक्टेंट है तो जरूरी नहीं सब एक ही ऑर्डर से रिएक्ट करेंगे या सबका रेट उनके कंसंट्रेशन का सेम ही ऑर्डर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर रेट ऑफ द रिएक्शन सबके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के अलग अलग रिलेशन वेरी करता है। तो अगर चार रिएक्टेंट है तो हो सकता है चारों का सेम ऑर्डर हो, या हो सकता है दो का सेम हो, या किसी दो का अलग हो, या हो सकता है चारों का रिएक्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, डिफरेंट होगा। इट डिपेंड अपॉन टोटली ऑन द एक्सपेरिमेंट या डिपेंड अपॉन द रिएक्शन। तो ये हम इसमें कुछ डायरेक्टली देख के नहीं बोला सकते, बार बार बोल रहा है इट इज टोटल एक्सपेरिमेंटल। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, वही डेफिनेशन बोलता है, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म अपियरिंग इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हो सकता है ये पॉजिटिव हो ओवरऑल, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो आई बात समझ में, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं नोट बना के।
नोट बना के क्या पॉइंट लिखूंगा, ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर इज डिटरमाइंड ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली, हम निकाल सकते हैं इट शुड बी आइदर गिवन इन द सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा ऑर्डर के बारे में, इट शुड बी आइदर गिवन इन द प्रॉब्लम, आइदर गिवन इन द प्रॉब्लम, या तो ये प्रॉब्लम में दिया जाएगा, और शुड बी कैलकुलेटेड, और शुड बी कैलकुलेटेड इन द प्रॉब्लम, इन द प्रॉब्लम बाय गिवन इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के द्वारा भी इनको कैलकुलेट किया जा सकता है, बट वो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में देगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑर्डर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमेशा क्वेश्चन में आपको मोस्ट ऑफ द 99.9% चाहे जेई का एडमेंस का क्वेश्चन हो या एडवांस का क्वेश्चन हमेशा दिया जाएगा आपको। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बेटा? अब जैसे सपोज करो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने, अब जो मैं आगे के आज का जो हमारा लेक्चर हो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पे ही चलेगा, क्या आखिर ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है या क्या ऑर्डर होता है, तो फिर से मैं समझा देता हूँ। तो अगर मान लो दो रिएक्टेंट है तो दोनों का रेट, मतलब रेट ऑफ द उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट जो होगा उनके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो रिलेशन कौन बताता है कि भाई बढ़ेगा या घटेगा रेट, वो डिपेंड करता है उस रिएक्टेंट के ऑर्डर के ऊपर, किसके, उस रिएक्टेंट के ऑर्डर पे। और वो रिएक्टेंट और ये जो दोनों रिएक्टेंट का अपना अपना जो ऑर्डर होगा, इनको सम अप करोगे दोनों के ऑर्डर को, तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिलेगा। आई बात समझ में, होप सो आपको समझ में आया होगा। जैसे सपोज करो 2A + B टेंस टू गिव आपको प्रोडक्ट दिया, क्या दिया, ये प्रोडक्ट दिया, ठीक है, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2, ठीक है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी इज -1। ये सपोज कर वही क्वेश्चन को कि मैंने क्या बोला, दो रिएक्टेंट है, जरूरी नहीं दोनों का सेम ऑर्डर हो सकता है, एक ऑर्डर अलग हो दूसरे का भी ऑर्डर अलग हो, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, सेकेंड टोटल ओ टोटल, या आप इसको बोल सकते हो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो पहला का क्या होगा, रेट बराबर क्या होगा के, ए का पावर कितना बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ ए है 2 और बी का पावर कितना है -1, ठीक है। तो मतलब अगर समझ रहे हो, रेट ए के ऊपर स्क्वायर के पावर पर डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे जो रेट होगा वो बी के -1 के पावर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 2 + -1, तो दैट इज 1। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होगा, किसका होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आई बात समझ में? जैसे सपोज कर इसमें तीसरा क्वेश्चन और बोल दे कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेट, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, इफ concentration of A is double। सपोज करो कंसंट्रेशन ऑफ ए का क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया, तब रेट कैसे डिपेंड करेगा। तो मैंने वही बोला ना, ये जो भी रेट होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो उनका रिलेशनशिप किससे कंप्लीट होता है, ऑर्डर से। जब तक आपको ऑर्डर नहीं होगा तब आप पता नहीं कर सकते भाई ए के कंसंट्रेशन घटने से क्या हो रहा है रेट पे, या ए का कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट पे क्या होता है। लेकिन हालांकि मुझे तो यहाँ पे पता है। तो सपोज करो कि रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है ए के पावर 2 पे, ठीक है। तो सब ये पहला इक्वेशन था। अब R, ये R1 हो जाएगा, ये R2, अगर मैंने इसको क्या किया, डबल किया, तो ये 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ R2 बराबर क्या हो जाएगा, 4A² तो R1 बाय R2 किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी R2 बाय R1 ये किसके बराबर हो जाएगा, 4A² बाय A² दिस और दिस कैंसल,
तो आर टू बराबर हो जाएगा 4 times of R1, मतलब आप देख रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि किस मतलब यहाँ पे अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन से आप देखो कि रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 2 पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये आप यहाँ से देख के बोल सकते हैं अगर अगर मैंने इसका कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जो मुझे देखने से मिल रहा है कि इनिशियल मैंने फाइनल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आई बात समझ सबको, तो आई होप से ये आपको समझ में आया होगा। देखो चौथा इफेक्ट और मैं बता देता हूँ, ठीक है, इफेक्ट ऑन रेट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑन रेट इफ concentration of B reduced to 1/3 of its original value। मान लो अपनी ओरिजिनल वैल्यू के 1/3 कर दिया बी का, तब रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कुछ नहीं, फाइनल जो रेट होगा बी 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 का पावर -1 तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 times of rate क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल इन जनरल एसएस टेक्निक्स अगर आप जाओगे तो बस याद रखना रेट जो होता है कंसंट्रेशन के पावर ऑर्डर पे डिपेंड करता है, रेट जो होगा कंसंट्रेशन के पावर ऑर्डर पे, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा होगा डायरेक्ट आप देख लो कि रेट 1/3 कर, मतलब कंसंट्रेशन 1/3 कर दे 3 ऊपर चला जाए क्योंकि पावर -1 है, तो रेट कितने टाइम से बढ़ गया, 3 times से बढ़ गया। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, शॉर्ट टेक्निक से कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, इसी के ऊपर अभी तो हमने इस रेट इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि कंसंट्रेशन को घटाने बढ़ाने से रेट पे क्या इफेक्ट होगा, अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर वॉल्यूम घटाने बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट, पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेट if volume of container is double, मतलब आखिर रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कंटेनर का वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। कंटेनर का वॉल्यूम डबल करने का मतलब सिंपल सब सपोज करो कंटेनर का वॉल्यूम डबल किया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब जो रेट जो मतलब 1/2 का पावर 2 और 1/2 का पावर -1, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 1/4 × 2 दिस, तो 1/2 times हो जाएगा, ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 1/2 times, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि रेट जो होगा रेट हो जाएगा घटेगा 2 times, 1/2 times का मतलब क्या हुआ कि रेट डिक्रीज हुआ 2 times डिक्रीज हुआ। तो इसमें शॉर्ट टेक्निक से आप देख सकते हो कि रेट जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम का पावर ऑर्डर। अब जो भी चेंज, अच्छा आप बेटर इस कंसंट्रेशन को भी ऐसे लिखो चेंज इन कंसंट्रेशन लो उसका पावर ऑर्डर कर दो, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन जो भी होगा उसका पावर ऑर्डर कर दो, वो आपका आंसर रहेगा। आई बात समझ सबको, हाँ या ना। तो ओवरऑल हमेशा इस बात का रखना रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम, डोंट वरी, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हम यहाँ पे कि मान लो ए प्रोडक्ट है, ए कोई आपका क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है। तो खूब सा आपको ओवरऑल समझ में आ गया कि भाई रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजिंग कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, और रेट जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम का पावर ऑर्डर। अब ये ऑर्डर डिपेंड करता है कि आप रिएक्टेंट का ले रहे हो या प्रोडक्ट का, या रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकालोगे। अब मान लो जैसे मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में सिर्फ ए को डबल किया था, तो यहाँ पे सिर्फ ए का कंसंट्रेशन लेना, यहाँ पे मान लो अगर मैंने बी को 1/3 किया तो यहाँ से बी का लेना, ओवरऑल दोनों क्वेश्चन, कभी कभी क्या करता है एक ही क्वेश्चन में दोनों का चेंज कर देता है, तो दोनों का चेंज करके ओवरऑल वैल्यू निकाल लेना। तो डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे अभी, आपको समझ में आ जाएगा। ए टेंस टू प्रोडक्ट, रेट बिकम हाफ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 4 times, determine
order with respect to A. Determine order with respect to A. तो मैं बोलूँ अगर change in rate, तो change in rate क्या होगा? Change in concentration का power n. वहाँ पे rate था, अब change in rate ले लो, क्योंकि ऐसे rate पूछा. अब rate देखो क्या हुआ? Rate becomes half. तो change in rate कितना हुआ भाई? Rate half हो गया. बोल क्या रहा? Concentration of A increases by कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस बाय कितना? 4 times. मतलब 4 times ए का चेंजिंग कंसंट्रेशन था. तो ये पता करना है, तो ये 2 का पावर माइनस 1 हो जाएगा और ये 2 का पावर 2n हो जाएगा. तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 2n बराबर क्या होगा? माइनस 1. तो n बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 1/2. कितना हो जाएगा? -1/2. तो आई होप सो देख सकते हो आप कितने छोटे छोटे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस वगैरह में आपको मिलेंगे, और हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है, तो चेंज इन रेट, चेंज इन, आप यहाँ पे फिर से आप अगर आप फॉर्मूला चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि रेट का चेंज नहीं दिया था, उसने रेट पूछा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रेट लिखा. आप चाहो तो यहाँ पे चेंज इन रेट भी लिख सकते हो, दैट चॉइस. ओवरऑल आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा. ठीक है, इतना मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना सारी पॉइंट समझ में आ गए होंगे. ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप एक तरीके से, ये फॉर्मूला भी इसको बना सकते हो आप. अगेन इसको फॉर्मूला बना लो, मेरे हिसाब से तो बेटर रहेगा. वो एक फॉर्मूला वो हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर एन, और एक हो जाएगा चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर एन. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट उसने रेट पूछा था, यहाँ पे रेट दिया हुआ था, रेट का चेंज दिया हुआ था और ऑर्डर दिया हुआ था, सॉरी कंसंट्रेशन का चेंज दिया हुआ था तो ऑर्डर पूछा था. तो ये भी एक तरीके से फॉर्मूला बन सकता है. ठीक है, ये फॉर्मूला आप ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनाना सीख जाओ. इस टाइप के क्वेश्चन आपको जल्दी हो जाने चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. मान लो बी टेंस टू कोई प्रोडक्ट है, मान लो बी टेंस टू क्या है आपका? कोई प्रोडक्ट. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बी का कंसंट्रेशन ट्रिपल कर रहा हूँ, बी का कंसंट्रेशन ट्रिपल कर रहा हूँ, एंड चेंज इन रेट वो हो रहा आपका 9 times चेंज इन रेट हो रहा है. ठीक है, आपको बताना है क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो मुझे पता है चेंज इन रेट कितना, 9 times, और ये कितना क्या, 3 power n. तो मतलब n बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन कर होते सकते हैं. ठीक है, सपोज कर एक और क्वेश्चन, मान लो a प्लस बी टेंस टू गिव प्रोडक्ट. ठीक है, a प्लस बी टेंस टू गिव प्रोडक्ट, मान लो a को डबल किया मैंने, a को डबल किया तब रेट हो रहा है 4 times, तब रेट हो रहा है आपका 4 times. और b को जब मैंने क्या किया, ट्रिपल किया, b को जब मैंने ट्रिपल किया तो रेट हो रहा है 1/3 time हो चुका, मतलब रेट घट चुका 3 times से. अब आपको बताना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी. तो अब आप देखो रेट क्या हो रहा है, एक विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात करूं तो रेट चेंज इन रेट कितना हो रहा है, 4 times, और कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना किया आपने, डबल किया. ठीक है, लेट इट बी 2 power n कर दिया, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 2 आ जाएगी. ठीक है, अगर b के रेस्पेक्ट में बात करो तो b के रेस्पेक्ट में चेंज इन रेट कितना हुआ, 3 हुआ, जबकि कंसंट्रेशन कितना किया था, 1/3 power m. अगर यहाँ n लिया तो यहाँ m लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह n नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसका ऑर्डर n है तो इसका ऑर्डर है. मैंने क्या बोला, हर रिएक्टेंट का अपना अपना ऑर्डर होता है. तो यहाँ पे m का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा. कितना हो जाएगा, -1. तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गए होंगे चीजें बातें. तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा 2 + -1, तो दैट इज फर्स्ट ऑर्डर का ये रिएक्शन होगा. किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का. तो आई होप सो ये छोटी छोटी चीजें आपको जल्दी समझ में आ गई होंगी. अच्छा एक बात, अगर मैं इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखना बोलूँ तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, r बराबर a का पावर 2 और b का पावर -1. ठीक है, तो ये आपका रेट ला एक्सप्रेशन हो जाएगा इस रिएक्शन का. चलो अगर मैं बात, देखो एक अच्छा क्वेश्चन है जेई में आया हुआ है. ठीक है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लो कोई रिएक्शन है
ए प्लस बी प्लस सी टेंस टू गिव प्रोडक्ट, ए प्लस बी प्लस सी टेंस टू गिव प्रोडक्ट, ठीक है। ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अब क्वेश्चन यहां से चालू होता है, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, रेट डिक्रीज बाय 8 टाइम, रेट डिक्रीज बाय 8 टाइम, रेट डिक्रीज बाय 8 टाइम, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। देखो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दी इस क्वेश्चन में, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और उन इक्वेशन से फिर आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्या बोलो, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर द रेट डिक्रीज बाय 8 टाइम, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी, यहाँ पे अब क्या कर रहा है, यहाँ पे दो तीन रिएक्टेंट है तो यहाँ पे दो का चेंज एक साथ कर रहा है और एक रिएक्टेंट को उसने एज इट इज रखा है, तो दो का एक साथ किसका चेंज किया, ए को डबल किया और बी को रिड्यूस किया, ठीक है। ऑन रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी टू 1/2, मतलब कितना कर दिया, हाफ कर दिया बी का कंसंट्रेशन, तो उसको मिल रहा है रेट 4 टाइम, देन रेट बिकम 4 टाइम, then rate become 4 टाइम, ठीक है। On increasing concentration of C, on increasing concentration of C, अब यहाँ पे उसने सिर्फ C को चेंज किया है तो concentration of C by 4 टाइम, कितने टाइम, 4 टाइम से इसको इंक्रीज किया है, रेट बिकम 64 टाइम, रेट become 64 time, rate become 64, determine order with respect to, determine order with respect to A, B and C and also calculate overall order of रिएक्शन, ऑल्सो कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आप, मैं बार बार बोलता हूँ प्लीज, भले हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा कि आपको क्वेश्चन जैसे खत्म हो जाए आप वीडियो पॉज करें, खुद से अटेम्प्ट करिए बेटा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, उसके बाद आप फिर वीडियो सॉल्यूशन देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो यहाँ पे कैसे जैसे जैसे इक्वेशन क्वेश्चन बोलते हैं वैसे वैसे इक्वेशन बनाते जाइए, तो जैसे मान लो ए प्लस बी प्लस सी टेंस टू गिव डी दिया, लेट इसका ऑर्डर पी मानता हूँ, इसका ऑर्डर क्यू मानता हूँ और इसका ऑर्डर मैं क्या मानता हूँ, आर मानता हूँ, यहाँ तक किसी को डाउट है, तो रेट वाला एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, आर बराबर ए का पावर पी, B का पावर Q और C का पावर R। चलो अब मुझे P, Q, R की वैल्यू क्या निकालनी है, निकालनी है, तो ओवरऑल ऑर्डर आपके लिए पास क्या हुआ, ओवरऑल ऑर्डर हो गया P प्लस Q प्लस R। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रेट डिक्रीज बाय 8 टाइम, तो चेंज इन रेट कितना हुआ 1/8 टाइम्स, और चेंज इन वॉल्यूम कितना था, चेंज इन वॉल्यूम था 1/2 कर दिया, सॉरी इसको ऐसा करो, चेंज इन वॉल्यूम हाफ था, मतलब P प्लस Q प्लस R, तो मैं बोल सकता हूं ऐसा कि 2 का पावर 3, है ना, 2 का पावर 3, ये दोनों रिवर्स कर दो, 2 का पावर p प्लस q प्लस r, मतलब बोल सकता हूं p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये पहला इक्वेशन बनेगा, कहां से, इस लाइन से, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कुछ नहीं किया बेटा, चेंज इन रेट लिया मैंने और चेंज इन वॉल्यूम लिया, क्योंकि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना था, बाय वॉल्यूम को उसने क्या किया, डबल किया, मतलब 1/2, चेंज इन वॉल्यूम 2 था, 1 ऊपर और उसका पावर ओवरऑल ऑर्डर चला जाएगा, और रेट कितने से घटा, 1/8 टाइम से घट गया, देखो रेट रेट डिक्रीज बाय 1/8 टाइम, मतलब रेट डिक्रीज बाय 8 टाइम, मतलब उसका मतलब वो कि इट इज 1/8 टाइम हो गया,
क्या हो चुका है 8। अगर बोला रेट इंक्रीज बाय 8 टाइम तो यहाँ पे मैं सिर्फ 8 लिखता था, तो ये आया हो सो आपको समझ में आएगा। अगर डिक्रीज बाय 8 टाइम बोला तो 1 बाय 8 करो, और इंक्रीज बाय 8 टाइम बोला तो डायरेक्ट आप 8 करो, क्योंकि उसने डिक्रीज बाय 8 टाइम बोला तो इसलिए मैंने 1 बाय 8 किया। चेंज इन वॉल्यूम 1 बाय 2 है ही, क्योंकि उसने वॉल्यूम डबल किया और उसका ओवरऑल ऑर्डर, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या होता था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय चेंज इन वॉल्यूम का पावर एन। या इसका भी पावर आप बोलते हो सर मैं ऐसे नहीं करके मैं ऐसे करूंगा कि 1/2 का पावर p प्लस q प्लस r, तो भी कोई फर्ज मतलब फर्क नहीं पड़ता था, तो भी मीनिंग वही था। तो ये पहला इक्वेशन आया। अब ऐसे तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, बस आपको वेरिएबल निकालना। देखो सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, ए का कंसंट्रेशन क्या किया उसने, डबल किया, तो 2 का पावर p हो गया, और रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ b टू 1/2 टाइम, मतलब 1/2 का पावर q कर दिया, तो रेट बिकम 4 टाइम। अब यहां पे मैं 1/4 नहीं करूंगा, क्योंकि उसने रेट बिकम 4 टाइम्स मतलब बढ़ गया, रेट क्या हो चुका 4 टाइम बढ़ गया, तो चेंज इन रेट चेंज इन कंसंट्रेशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर p माइनस क्यू। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि ये माइनस क्यू हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं p माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा 2, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ c बाय 4 टाइम, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ c, चेंज इन कंसंट्रेशन कितना किया 4 टाइम किया, जिसका पावर ऑर्डर क्या था r था, रेट बिकम 64 टाइम, ये कितने टाइम बढ़ चुका है रेट 64 टाइम, वही फॉर्मूला चेंज इन रेट, चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, तो चेंज इन रेट 64 टाइम बढ़ा, और आपने कंसंट्रेशन कितने टाइम चेंज किया 4 टाइम चेंज किया, जिसका ऑर्डर r था, तो यहां से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो r की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो इस इक्वेशन में पुट करोगे, चलो ठीक है, यहां तक मैं आपको छोड़ रहा हूं ब्लैंक, क्यों, क्योंकि मैंने तीन इक्वेशन बना दिए, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, अब आपको मुझे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा, और ओवरऑल ऑर्डर भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मेन चीज मैंने आपको सॉल्व कर दिया, बाकी चीज आपको करनी है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका होगा, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं ऑर्डर में, ऑर्डर के अभी ये तक ऑर्डर आपका खत्म नहीं हुआ, कि अब ये मत सोचो कि ऑर्डर में हमने ये अभी तक हमने क्या सीखा कि ऑर्डर एक तो एक्सपेरिमेंटल होता है, हमने ये सीखा कि आखिर किसी के भी अगर किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट कैसे डिपेंड करता वो भी हमने देख लिया, आखिर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर चेंज करने पर रेट कैसे डिपेंड करता वो भी हमने सीख लिया, क्वेश्चन अगर इस टाइप के आएंगे तो किस आएंगे, इससे ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन कभी आ नहीं सकता है, तो ओवरऑल हमने ऑर्डर इसका न्यूमेरिकल पार्ट सीख लिया, लेकिन इसमें जो कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट आते हैं वो अब हमें सीखना बाकी है, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो रूल्स क्या होते हैं वो मैं सिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं रिएक्शन के, रिएक्शन के क्या दे रहा हूं एग्जांपल, ठीक है, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इलिस्ट्रेटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डर, इलिस्ट्रेटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डर, illustrating different value of order and rate law expression. देखो अब तक मैंने जो भी आपको rate law expression या order बताए थे वो मैंने आपको hypothetical reaction के बताए थे, real time में ऐसा
देखो ऑर्डर रियल टाइम के रिएक्शन का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, देखो लिखा कैसे जाता है उनके एक्सपेरिमेंटली कि जो ये सारे टोटल एक्सपेरिमेंट, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स पूरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। तो जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा कि भैया ये एक्सपेरिमेंटल मतलब वो एक्सपेरिमेंट, हाँ लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, वो हम और तुम मिलकर डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे पहला रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ N2O5 twice of N2O5 tends to give 4 of NO2 plus O2. देखो जाना माना रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम अक्सर हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करते हैं। अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन देखो बहुत वियर्ड है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा के N2O5 का पावर 1। तो मतलब दिखने में तो ये सेकेंड का होना चाहिए, देखो है इसका स्टोइकोमेट्रिक 2 है। अब आप देख के सर बोल सकते हो कि सर ये तो सेकेंड ऑर्डर का होना चाहिए, मैंने आपको पहले बोला जो दिखता सो होता नहीं और जो होता वो दिखता नहीं है, समझ में आई बात। कहने का मतलब ये है ऑर्डर हमेशा बेटा एक्सपेरिमेंटली जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तब ये देखा गया अच्छा दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब N2 रेट जो है N2O5 के पावर कंसंट्रेशन के पावर 1 पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन मैं बताऊँ, अब मैं रिएक्शन लिखूंगा उनका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा और फिर उसमें से आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। 5Br- प्लस Br O3- प्लस 6H+, ये आपने रिएक्शन देखा होगा रेडॉक्स में, मैं बहुत बार करवाता भी हूँ, 3Br2 प्लस 3H2O। तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन जब देखा गया तो के Br- का पावर 1 BrO3 का पावर -1, Br- का पावर इसका फर्स्ट ऑर्डर है, इसका -1 ऑर्डर है और H+ का भी फर्स्ट ऑर्डर है, और H+ का भी क्या है फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ठीक है। तीसरा जो रिएक्शन आपको ट्वाइस ऑफ O3 टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ थ्राइस ऑफ O2, इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन में जाओगे तो R बराबर क्या होगा के O3 का पावर 1 लेकिन O2 का पावर -1 भी आ जाएगा। देखो यहीं पे मैं आपको ये एग्जांपल डिफरेंट एग्जांपल क्यों सिखाने करता हूँ कि जनरली ऐसा ये मान के मत चलना कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में सिर्फ रिएक्टेंट आएगा, नहीं देखो ये सारे के सारे है ना बेटा ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं और इनके जितने भी रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखूंगा वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल डिफाइंड है। तो जब ओजोन का कन्वर्जन ऑक्सीजन में देखा गया तो इनका रेट लॉ एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ सकता है, मतलब रेट जो है O3 के फर्स्ट ऑर्डर पर डिपेंड करता है और ऑक्सीजन के -1 पे, मतलब जनरली ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिएक्टेंट आए, हो सकता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट भी आ सकता है, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट के ऑर्डर पर भी डिपेंड कर सकता है। आई बात समझ में, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। देखो फोर्थ और मैं बता रहा हूं और आपको मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। NO2 plus CO tends to give CO2 plus NO। तो जब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा गया तो के NO2 का पावर 2 और CO का पावर 0। तो देखो ये जीरो ऑर्डर का और ये सेकंड ऑर्डर का हो गया, ठीक है। तो ये भी हम बोल नहीं सकते दोनों फर्स्ट स्टोइकोमेट्री 1-1 है तो ऑर्डर 1-1 होना चाहिए, नहीं, कभी भी स्टोइकोमेट्री ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, आप वो तो आपके हाथ में, आप इसको 2, 3, 4 जो रखना चाहो, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल जाओगे तो आप कितना भी स्टोइकोमेट्री यूज़ कर लो इसका ऑर्डर सेकेंड ही आएगा और इसका ऑर्डर 0 ही आएगा इस रिएक्शन में, ठीक है। जैसे CH3CHO, ठीक है, ये रिएक्शन है तो ये देगा आपको CH4 plus CO। तो रेट जो होगा इसका जो देखा गया है के CH3CHO का पावर 3/2, मतलब यहाँ पे ऐसा भी जरूरी नहीं कि ऑर्डर, मैंने क्या बोला, ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल भी होता है, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, इस टाइप के रिएक्शन का ऑर्डर होता है 1.5, ठीक है। छठा रिएक्शन ये है कि ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ SO3, ये भी जाना माना रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे अब देखो चीज़ें क्या चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इस ऑर्डर को करने के लिए हम NO एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, NO क्या यूज़ किया मैंने, एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होता है, अब देखो यहाँ पे आश्चर्य की बात पता क्या है, इसका जो ऑर्डर होता है इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन जब आप जानोगे तो बहुत दंग रह जाओगे, O2 का पावर 2 होता है और NO का पावर होता है 1,
O2 का पावर 2 होगा और NO का पावर 1। तो याद रखना रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट भी आ सकता है, प्रोडक्ट भी आ सकता है और इवन दो कैटलिस्ट भी आ सकता है। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करो तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है कि इस रिएक्शन का जो रेट है कैटलिस्ट के ऑर्डर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहली बात हमने क्या सीखी, पहली बात हमने ये सीखी भाई स्टाइचोमेट्री ऑफ द रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, और जो कि और जो चीज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता मतलब वो फिक्स होता है, लेकिन स्टाइचोमेट्री किसी भी रिएक्शन का वो तो हमारे हाथ में होता है, वो हम उसको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये बात भी हमने इन एग्जाम्पल से सीखी। तीसरा एग्जाम्पल क्या सीखा, रेट लो एक्सप्रेशन नॉर्मली 95% 97% केसेस में आप बोल सकते हो उसकी सिर्फ रिएक्टेंट को इन्वॉल्व करता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में हो सकता है प्रोडक्ट को भी इन्वॉल्व करे, इवन दो वो कैटलिस्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। दूसरा क्या होता है कि देखो अगर आपने स्टाइचोमेट्री चेंज किया, इसका स्टाइचोमेट्री चेंज किया तो कुछ बातों मैंने आपको क्या सकता, अगर आपने स्टाइचोमेट्री चेंज किया तो पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन पे जरूर फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं बोलूं व्हाट डिफाइन डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, तो आप क्या लिखोगे, माइनस डी ऑफ N2O5 बाई dt, यही लिखोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं डिफाइन रेट ऑफ द रिएक्शन, तब क्या लिखोगे, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी ऑफ N2O5 बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/4 डी ऑफ NO2 बाई dt इज इक्वल टू प्लस O2 DO2 बाई dt, यही लिखोगे। अब मैंने क्या बोला, अगर मैंने इसका स्टाइचोमेट्री चेंज किया तो ऑब्वियस बात है रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगेन मैंने फिर से बोला किसी सब्सटेंस का रेट ऑफ द रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता रहा हूँ सब्सटेंस का रेट ऑफ द रिएक्शन डिफाइन करने के लिए, सब्सटेंस का रेट ऑफ द रिएक्शन डिफाइन करने के लिए आपको स्टाइचोमेट्री की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती। एक मिनट, ठीक है, अच्छा अगर ऐसा हो जाए कभी कभी कि भाई जो स्टाइचोमेट्री है वो जैसे मान लो इसका इस रिएक्शन का स्टाइचोमेट्री जो रिएक्टेंट का, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मान लो अगर ये भी 2 हो जाए ये भी 2 हो जाए, तो जब किसी रिएक्शन का स्टाइचोमेट्री ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बराबर होता है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं या सिंगल स्टेप रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल स्टेप। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कुछ रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होता है, कुछ रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाते हैं। तो जो सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं या सिंपल रिएक्शन बोलते हैं या सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। और ये बट जो रिएक्शन, अच्छा एक बात और, कोई किसी ये तो बात समझ में आएगा, अगर किसी रिएक्शन का स्टाइचोमेट्री और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सेम है तो आप सब बोल सकते हो कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है या सिंगल स्टेप रिएक्शन है। लेकिन मैं बोलूँ आप किसी भी रिएक्शन को देख के बोल सकते हो क्या कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन होगा या सिंगल स्टेप रिएक्शन, नहीं, हम ये सिर्फ और सिर्फ उनके मैकेनिज्म से ही डिसाइड करते हैं। आई बात समझ, बेसिकली ये जितने भी ये सब ये तो मैकेनिज्म से ही आए हुए हैं, क्योंकि ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हम किसका लिखते हैं, हम ये लिखते हैं जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जिस मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और वही आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन डिफाइन करता है, और उसी से हम बताते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। आई बात समझ में सबको, चलो ठीक है। अब हम मैं ये जितने भी पॉइंट बताए थे सब मैं लिख देता हूँ नोट करके, फ्रॉम ऑल अबव एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट, पहला है फ्रॉम ऑल अबव एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट It is clear that there is no relation between stoichiometry of reaction and order of रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर
is always determined experimentally which is fixed but stoichiometry of the reaction but stoichiometry of reaction is in hand of student या जो भी है हमारे हाथ में है वो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं which can be changed ठीक है। तीसरा पॉइंट है रेट लो एक्सप्रेशंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ RLE normally involve reactant but it may involve catalyst as well as product। अच्छा मैंने क्या बोला रेट लो एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट आ सकता है कैटलिस्ट आ सकता है प्रोडक्ट आ सकता है लेकिन एक चीज कभी भी जिंदगी में एक चीज रेट लो एक्सप्रेशन में नहीं आ सकता वो क्या है इंटरमीडिएट। याद रखना इंटरमीडिएट क्या होता है पहले स्टेप में बनेगा दूसरे स्टेप में खत्म हो जाएगा या दूसरे स्टेप में बना तो तीसरे स्टेप में क्या हो जाता है वो खत्म हो जाता है। तो याद रखना कभी भी किसी रेट लो एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आ सकता। अगर इंटरमीडिएट आ गया तो आपको उसको एनी हाउ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा कुछ ना कुछ इक्वेशन से जो कि हम आगे सीखेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि आखिर हम कैसे स्टेडी स्टेट मेथड होता है आगे हम पढ़ेंगे एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर स्टेडी स्टेट मेथड से हम उनको हटा सकते हैं ठीक है। तो याद रखना कभी भी किसी रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन के रेट लो एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आ सकता है ठीक है। बट रिएक्शन इंटरमीडिएट will not appear in रेट लो एक्सप्रेशन कभी भी रेट लो एक्सप्रेशन में नहीं आ सकता ठीक है। फोर्थ है ठीक है अभी फोर्थ मैंने आपको ऑन चेंजिंग द स्टोइकोमेट्री रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो सकता है बट रेट ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस कभी भी चेंज नहीं होता है ठीक है। ऑन चेंजिंग स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट अच्छा हाँ रेट कांस्टेंट भी चेंज करता है। अच्छा रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे चेंज करता है वो आपको समझा दिया। रेट कांस्टेंट स्टोइकोमेट्री से कैसे चेंज करेगा वो आपको मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी सिखाया कि केमिकल इक्विलिब्रियम याद करो स्टोइकोमेट्री चेंज करने पर रेट कांस्टेंट सिर्फ दो ही बातों पर डिपेंड ही करता है टेम्परेचर और स्टोइकोमेट्री। तो टेम्परेचर वाला तो हमने सीख लिया था आगे भी सीखेंगे यहाँ पे रेट कांस्टेंट कैसे चेंज करता वहाँ पे तो भैया हमने फॉर्मूला देखा था कि K2 by delta H1 is equal to K2 by K1 is equal to delta H by 2.303 R by 1 by T1 minus 1 by 2 फॉर्मूला से देखा था। यहाँ पे भी रेट कांस्टेंट चेंज करता है टेम्परेचर के साथ वो हम आरहेनियस थ्योरी में सीखेंगे लेकिन रेट कांस्टेंट स्टोइकोमेट्री के साथ कैसे चेंज करेगा ये आज या हो सकता है कल के लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा इस चीज को ठीक है। Rate of reaction of a particular substance remains same। कभी भी याद है बार बार मैं समझा रहा हूँ रेट कांस्टेंट चेंज हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है बट किसी सब्सटेंस का
पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि उनको डिफाइन करने के लिए हमें स्टोइकोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती है। पांचवा लास्ट पॉइंट, ओनली फॉर सिंपल, याद रखना है किसके लिए, ओनली फॉर सिंपल या ऑब्लिक एलिमेंट्री रिएक्शन, याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में आप ये, मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया दिस इज एज फॉर अ सिंपल एलिमेंट्री, फॉर अ एलिमेंट्री रिएक्शन, ये रिएक्शन है डिफाइन रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो कुछ नहीं, जो भी उसका स्टोइकोमेट्री होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो कभी कभी एक और तरीका है, तो ये तरीका क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको उस रिएक्शन का ऑर्डर पता है। ये दूसरा तरीका हुआ पहचानने का। पहला तरीका होता है यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट से हम पहचान सकते हैं, दूसरा अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला सिंपल या एलिमेंट्री ऑफ द रिएक्शन है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा सिंगल, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट। बट एनी रिएक्शन इज सिंपल और नॉट, but any reaction is simple or not, we can, or simple or not cannot be decided by, cannot be decided by, cannot be decided by looking stoichiometry, looking स्टोइकोमेट्रिक स्टोइकोमेट्रिक ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन, इट शुड बी डिसाइडेड, इट शुड बी डिसाइडेड, इट शुड बी डिसाइडेड एक्सपेरिमेंटली, experimentally with the help of mechanism, with the help of mechanism of the reaction, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, हम डायरेक्टली रिएक्शन को देख के हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट्री या सिंपल सिंपल रिएक्शन होगा, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हम किसके थ्रू बता सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम बता सकते हैं किसके थ्रू बेटा, मैकेनिज्म के थ्रू, समझ में आए। तो कुछ एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का। तो कुछ बातें फिर से मैं ओवरऑल हम क्या रिपीट कर रहा हूँ, एक तो और ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, डायरेक्टली देख के बता नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या सीखी है कि भैया स्टोइकोमेट्री फिक्स होता है किसी भी रिएक्शन का, ठीक है, तो स्टोइकोमेट्री चेंज हो सकता है रिएक्शन का, बट ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरी बात हमने क्या सीखी, अगर किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है तो उसमें रिएक्टेंट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, इवन तो कैटलिस्ट भी आ सकता है, बट किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, सिंपल सा, एक स्टेप में बनेगा, दूसरे स्टेप में वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम रिएक्शन इंटरमीडिएट, सॉरी, रिएक्शन इंटरमीडिएट को रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं अब लिखते, अगर वो लिखेगा तो वो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, गलत हो रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। चौथी बात हमने क्या सीखी कि भाई अगर आपने स्टोइकोमेट्री चेंज किया तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज होगा, रेट कांस्टेंट भी चेंज हो सकता है, बट किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और इस लास्ट बात हमने क्या सीखी, भाई अगर आपको किसी रिएक्शन का, अगर किसी रिएक्शन को एलिमेंट्री बोल रहा हूँ मैं, तो आपको एलिमेंट्री बोलते ही समझ जाना है कि उसका जो स्टोइकोमेट्री होगा वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। लेकिन ये वो जो अगर वो क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, इसका मतलब वो रिएक्शन एक्सपेरिमेंटेड डिटरमाइंड है, तभी उसको वो एलिमेंट्री बोल रहा है, समझ में आई बात। जस्ट सपोज कर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सेम टाइप के रिएक्शन है H2+CH2 ट्वाइस ऑफ HCl, ठीक है, लेकिन इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बहुत वियर्ड है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, H2 का पावर 0 और Cl2 का पावर 0, देख रहे हो, मतलब कैसा होना तो चाहिए एलिमेंट्री टाइप का, बट दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जैसे सपोज करो दूसरा एग्जांपल है H2+Br2 tends to give twice of HBr, मान लो ये है
इसका इसका जो है ये जो ये जो है ये आ जाता है के एच टू का पावर टू बी आर टू का पावर सॉरी एच टू का पावर वन है यहाँ पे डिवाइडेड बाय वन प्लस के टू एच बी आर टू और बी आर टू. मतलब देख रहे हो दिस इज नॉट सिंपल, दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ये सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन का कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है. हालांकि ये भी सिंपल नहीं है और ये भी सिंपल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये तो तुम जाने दो, ये तो बहुत हाई लेवल की बात है, ये तुमको अभी पढ़ना भी नहीं है. जब अगर आप इनकेस केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो वहाँ पे इनके मैकेनिज्म वगैरह देखोगे. ओवरऑल बात यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वन वन और वन है लेकिन यहाँ ऑर्डर जीरो और जीरो है. यहाँ पे तो पता नहीं क्या ऑर्डर है, तो जाने ही दो. तो ओवरऑल ये सिंपल रिएक्शन तो है नहीं, लेकिन सिंपल रिएक्शन ये आपको जरूर है. एच टू प्लस आई टू टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ एच आई और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है एच टू का पावर वन और आई टू का पावर वन. हाँ तो दिस इज सिंपल रिएक्शन, इसको आप सिंपल रिएक्शन बोल सकते हो. क्यों? इसका भी स्टोइकोमेट्री वन वन है और ऑर्डर भी क्या है आपका वन वन है, ठीक है. अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सिक्स जो हमारा पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आल्सो चेंजेस. कैसे? मैंने आपको बोला ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फिक्स है, लेकिन वो फिक्स कब है? अगर आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को पर्टिकुलर कंडीशन में करवा रहे हो, लेकिन जैसे ही अगर आपने कंडीशन भी चेंज करी तो हो सकता है उसका ऑर्डर भी क्या कर जाए, चेंज कर जाएगा, ठीक है. कैसे चेंज कर जाएगा मैं आपको समझाता हूँ. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन order of reaction also changes with condition under which reaction is performed ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसे decomposition of gases on solid surface follows first order reaction at very low pressure. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, कई बार जेई में पूछा गया है. प्रेशर एंड जीरो जीरो एट हाई प्रेशर. समझ रहे हो? अगर किसी गैस का डिकम्पोजिशन में ले रहा हूँ, किसी गैस का डिकम्पोजिशन करा रहा हूँ सॉलिड सरफेस में. सपोज करिए ये जो आप एन टू प्लस थ्री एच टू, ये आपने रिएक्शन देखा होगा, ठीक है. एन टू प्लस थ्री एच टू, यहाँ पे हम प्लेटिनम सरफेस लेते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है. ट्वाइस ऑफ एन एस थ्री, ये सारे के तो सारे गैसेस हैं. तो ये जो प्लेटिनम सरफेस होता है इसमें पोरस होता है, ठीक है. बहुत सारे छेद होते हैं, मतलब इट्स उबड़ खाबड़ जो, तो जिनको होल्स होते हैं ना, इस होल्स में जाके अमोनिया क्या होता है, डिपॉजिट होता है. मतलब कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर ही ये जाके एक्चुअली ये रिएक्शन होता है. आप बोल सकते हो अगर इस गैसेस का डिकम्पोजिशन, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया, माई मिस्टेक. ट्वाइस ऑफ एन एस थ्री टेंस टू गिव प्लेटिनम एन टू प्लस थ्री एच टू. अगर अमोनिया का डिकम्पोजिशन मैंने प्लेटिनम पे करवाया, लेकिन अगर मैं इसको बहुत लो प्रेशर में करा रहा हूँ तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा. लेकिन सेम रिएक्शन को मैं बहुत हाई प्रेशर पे ले रहा हूँ तो ये ऑर्डर, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर. तो मैं फिर से बार बार बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. फर्स्ट अब ये, और आप बोल सकते हो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर भी चालू हो जाता है. ओवरऑल मैं बता देता हूँ, जेई मेन्स हो या जेई एडवांस, आपका दो ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर. और 99.9% चैप्टर आपका फर्स्ट ऑर्डर पे रहता है. तो एक तो मेजर डिफरेंस जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में क्या, अगर कोई रिएक्शन बहुत हाई प्रेशर पे चल रहा है तो वो जीरो ऑर्डर होगा, और अगर कोई रिएक्शन बहुत लो प्रेशर पे चल रहा है तो वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है इनको पहचानने का तरीका. आई बात समझ सबको? इज दैट क्लियर? तो आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है. तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है. आप एक बार देखिए प्लीज़, इसको समझे आपको, ताकि आप
क्वेश्चन है, रेट ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन, रेट ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन, रेट ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है, किसी रेट, किसी रिएक्शन का रेट है जो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, जैसे इक्वेशन दिया माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा के वन सी बाय वन प्लस के टू सी। मान लो किसी रिएक्शन का रेट जो है डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड कुछ इस तरीके से कर रहा है इस रिएक्शन का रेट, ठीक है। तो डिटरमाइन ऑर्डर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन ऑर्डर एंड रेट कॉन्स्टेंट, एंड रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज, व्हेन कंसंट्रेशन इज, पहला आपका बोला है व्हेन कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो, और दूसरा कंडीशन दिया हुआ वेरी वेरी हाई। पहला मैं कंडीशन ले रहा हूँ जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो या कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो, तो ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, सी इज वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो मतलब मैं सी को टेंस टू क्या मान लेता हूँ, जीरो मान लेता हूँ, मान सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि के टू सी ऑलमोस्ट टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ वन प्लस के टू सी आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर डी सी बाई डी टी की पुट करो तो लिमिट सी टेंस टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, के वन सी बाई वन प्लस के टू सी, ये तो ओवरऑल वैल्यू वन है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के वन सी के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, के वन सी के बराबर हो जाएगा। अब आप समझो बात को, ये ओवरऑल रेट है और रेट कंसंट्रेशन का पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, वन पे डिपेंड करेगा, तो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और के वन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ, सी इज वेरी वेरी हाई, मान लो बहुत ज़्यादा क्या हो, हाई हो, तो सी टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 बाई सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंस टू जीरो लिख सकता हूँ, मानते इस बात को। अब यहाँ पे देखो, आपने लिमिट के वन सी बाय वन प्लस के टू सी, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सी कॉमन ले रहा हूँ, सी कॉमन लेके कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो के वन सी प्लस वन बाय सी प्लस के टू, और सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 1 बाई सी ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, तो के वन बाई के टू। तो अब आप यहाँ पे देखो कि जो डी सी बाई डी टी है, मतलब डी सी बाई डी टी यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 बाई सी टेंस टू जीरो, ठीक है, तो लिमिट 1 बाई सी टेंस टू जीरो कर दे रहा हूँ मैं, तो डी सी बाई डी टी क्या हो रहा है, 1 बाई के वन सी, तो सी कॉमन लिया, तो डी सी बाई डी टी सिर्फ किसके आ रहा है, रेट कॉन्स्टेंट के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है, तो दिस इज योर जीरो ऑर्डर, क्यों, क्योंकि सी का पावर क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला था कि लो प्रेशर होगा, क्योंकि रेट कॉन्स्ट, रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या, या डी सी बाई डी टी इज नथिंग बट आर ही है ये, तो आर बराबर क्या हो रहा है, के वन, मतलब जो भी के वन सी, मतलब कंसंट्रेशन का पावर वन पे डिपेंड कर रहा है, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जब बहुत ज़्यादा हाई ले लोगे तो यहाँ पे के वन बाई के टू, और मतलब कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो आई होप सो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें हम कल करेंगे, ठीक है, और कल हम ये देखेंगे आखिर कैसे स्टाइचोमेट्री चेंज करने से रेट कॉन्स्टेंट चेंज कर जाता है, तो कल देखेंगे, और कल से हमारा जीरो ऑर्डर वगैरह चालू भी हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है आज अगर 11 तारीख है तो हार्डली आपका 20 तारीख तक ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये ट्राई मेरे कोशिश तो ये रहेगी जल्द से जल्द ख़त्म करने की, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाकी चीज़ें नेक्स्ट टाइम करेंगे, थैंक यू।